भवन नहीं था। तो 40 परिवार का सूची दूं? यहाँ सन 2007 से जितने भी पब्लिक रह रहे हैं, बरवा पट्टी का कौवाखुर हो गया या कथवलिया हो गया, खैरटिया हो गया, 2007 में इतना भयंकर बाढ़ आया था कि जिससे लोग प्रभावित हो चुके थे। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिला है। कुछ लोगों को सहायता मिला है जो यहाँ से प्रशासन ने ले जाके दूसरी जगह घर बनाने की स्थिति में उनको ढकेल दिया। बाकी जो भी स्थिति यहाँ की है बरवा पट्टी की, आज के जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपने गुजारा किसी न किसी तरीका से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस विषय में अभी तक भी कोई ये नहीं निर्णय लिया है कि इन लोगों का क्या सहारा दिया जाए। गर्मी में तो ये अभी जो बाढ़ की स्थिति है ऐसा तो पहले नहीं हुआ है कि जो हर प्रशासन को हमने माननीय मुख्यमंत्री को, कृषि मंत्री, मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, तहसील प्रशासन सभी को हमने प्रार्थना पत्र दिया, एक नहीं जबकि अनगिनत प्रार्थना पत्र दिया, मगर किसी ने हम परिवारों पर नहीं सुना। हमें हमारा नाम तो कोई सरकार लगता है और ना ही कोई अधिकारी लगता है, हमारा हर आवाज़ जहाँ जाता है वहीं पर दब जाता है। हम परिवारों को तो नदी के कटान में सन 2002 में ही हम बेघर हो गए थे और आज भी बंधे पर जीवन जी बिता रहे हैं। सरकार ना देखती है, ना कोई तहसील प्रशासन, ना कोई अधिकारी हमारे परिवारों को देखता है, ना हम लोगों को देखता है। हम लोगों को खाना भरोसी का जीवन जीने पर मजबूर कर रखी है सरकार और हम लोगों को ना तो किसी ने देख। बाढ़ में कम से कम 1500-1600 लोग तबाही में बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरा चीज़, यहाँ से आधे किलोमीटर पर बिहार और यूपी का फर्क है, वहाँ पूरी तरह पूरा काम हुआ है लेकिन यहाँ यूपी में कोई समय सुनवाई नहीं हुई है इस मंदिर पर। नहीं की कहने सरकार, हमने के ये जा रहा है वाला आदमी कोनो व्यवस्था नहीं है, चाहे हमने के पानी में डूब जाए सहना, चाहे कोनो व्यवस्था सरकार करे चाहे न करे, और हमने के दूसर माई बात पूछे नहीं के ब्रवल विनायक बने जो कितना कितना दिन पहले कटान भइल रहल। अरे ओकरा कुछ ना तो एक साल कटान भइ रहे, 85 साल होता ओकरा बाद से कटान। सिंचाई विभाग के संबंध में बाढ़ का यहाँ एक प्रमुख इश्यूज है, उसमें लगभग 39 परियोजनाएं बाढ़ से संबंधित पूरी करनी है जो कि बाढ़ से पहले होनी है। उनके जो प्रमुख अभियंता सिंचाई है उनके द्वारा सूचित किया गया कि ये अप्रैल माह में उनकी स्वीकृति।